हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग के। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और आगे भी इसी तरीके की हर एक शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, एक RBI के गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल, सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। पहले पे कौन है? चीन, चाइना यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। एक था आपका, गोवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है, तो राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में हुआ था, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका, मानव विकास सूचकांक 1990 किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आपका महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने इसको शुरू किया था मतलब, ठीक है। एक था आपका यहाँ पे, NDRF की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। STD की भी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो STD की फुल फॉर्म में आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2017, तो इनका ये नाम है डेमी लिग नेल पीटर्स, राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ही कम क्वेश्चंस मिल पाए हैं, जितने भी मिल पाए हैं सारे रियल हैं, तो बाकी जो मिलेंगे मैं आपको सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है पूरे दिन में क्वेश्चंस कलेक्ट करने की, तो सारे मैं आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। किस टॉपिक से कितना पूछे गया और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। मिरर इमेज आपकी लगातार बहुत ही ईजी सी पूछी जा रही है। यहाँ पे YHA की बताइए, एक बच्चे ने बिल्कुल यही कि इसकी मिरर इमेज पूछी गई थी, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? AHY, मतलब इस तरीके से जो पहले पे लिखा है पहले पे, जो दूसरे पे लिखा दूसरे पे, जो तीसरे पे लिखा है तीसरे पे, मतलब चेंज कुछ नहीं होना था, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही मिरर इमेज थी। एक काउंटिंग फिगर से आपका क्वेश्चन था कि इसमें आपको बताने थे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। एक बच्चे ने तो बताया, ये एक ने बताया है कि एक इस तरीके से क्वेश्चन था, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों ही मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें तो हम 1, 2, 3, 4, ये 4+1, ये पूरा बड़े वाला, ये आपका 5 हो जाते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो 1, 2, हम इस तरीके से करते हैं ना, 1, 2, जब भी इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं जिसमें लाइनें होती है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं 1, 2, 3 और जितने भी होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो 1, 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और 3 में जब इसके बीच में एक कट मार देते हैं तो ये क्या होता है, हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसमें एक और कट लगा कर दिया जाता तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो अभी 2 से करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है भाई। चलिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल यही पूछा गया था कि एक साइंटिस्ट ने बताया कि जिस हिसाब से प्लास्टिक का दुरुपयोग हो रहा है ये 10 साल बाद एक चिंता का विषय बन जाएगा। तो ये बिल्कुल कथन था आपका, इसमें निष्कर्ष क्या क्या थे देख लेते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, तो जहाँ तक इस कथन की बात की जाए तो ये आपका पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक इंडिकेशन दी जा रही है कि जिस हिसाब से हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं तो 10 साल में चिंता का विषय बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ये बताया जा रहा है कि कम कर देना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि 10 साल में अगर चिंता का विषय बनने वाला है तो इसका मतलब हमें कम तो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्लास्टिक के प्रयोग से ही हमारा जीवन कम होता जा रहा है, तो ये कहना देखिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे कथन में जो दिया गया है ये उसके हिसाब से राइट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। कि प्लास्टिक के हिसाब से ही, यानी कि प्लास्टिक के प्रयोग से ही हमारा जीवन कम होता जा रहा है, तो जीवन कम होने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो ये वाला आपका राइट नहीं होगा, पहले वाला राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक था आपका, ताश की गड्डी, हुकुम का पान और चिड़ी का इक्का, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, तो इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना था। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको होंगे। देखिए ताश की गड्डी में ही आता है ना चिड़ी का इक्का भी और हुकुम का पान भी, तो यहाँ पे ये आपका दोनों अंदर आ जाएंगे और ताश की गड्डी का जो वेन डायग्राम है वो बाहर आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है।
बहुत ही कम क्वेश्चन भेज पा रहे हैं बच्चे, और जितने भी क्वेश्चंस भेज पाते हैं बहुत ही आसान होते हैं, वो मुझे भी आसान लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक टाइम सॉरी पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन एक कल थर्ड शिफ्ट में भी आया और एक आज भी आया है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कोई बच्चा उसका एक फॉर्मेट भी नहीं बता पा रहा है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको करा दूँ। तो अगर किसी का आज एग्जाम था और पाइप एंड सिस्टर्न का वो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही हार्ड है, ये बताया जाता है बहुत ही हार्ड है, बस ये नहीं बताया जाता कि उसकी डिजिट क्या थी, किस तरीके का वो क्वेश्चन था, अगर कोई बता सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा क्वेश्चन को, और थैंक यू सो मच अगर कोई करता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक था, देखिए 150 रुपये कुछ ऐसा था कि 150 रुपये उनको इनका रेशो भी दे रखा था, और उस रेशो में यहाँ पे पूछा गया था किसी एक का, यानी कि बी का पूछ लिया गया, तो बी का शेयर कितना होगा, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो 150 को आप क्या करेंगे, सभी के रेशो को प्लस करके 150 से भाग कर देंगे, और जिसका भी पूछ जाएगा ए का बी का सी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की 1 में करेंगे सॉरी 30 और 30 की 1 में करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का शेयर 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। देखिए एक क्वेश्चन आपका लगातार जो पूछा जा रहा है वो एवरेज स्पीड से पूछा जा रहा है, और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ना 2x यानी कि एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पूछा ही नहीं जा रहा है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया थर्ड शिफ्ट में कल वाली में, बट ये पूछा नहीं जा रहा, पूछा यही जा रहा है बार बार कि किसी डिस्टेंस को एक कार या फिर कोई भी आदमी कवर करता है 4 मीटर तो 3 सेकंड में और 7 मीटर को 4 सेकंड में, बस यहाँ पर डिजिट चेंज हो रही है, लगातार ये 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी टोटल टाइम, ये हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1.57 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से कि डिजिट यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, जैसे पॉइंट में आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिजिट ऊपर नीचे हो रखी होगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन था आपका। एक था यहाँ पे कि एक दुकानदार ने चाय के एक सेट को 3200 रुपये में बेचता है, उसे 10% का लॉस होता है, अगर उसे 40% का प्रॉफिट पे बेचना हो तो उसके उसे कितने में बेचा जाएगा, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप मुझे ये बताइए अगर 3200 रुपये की चीज़ को हम 10% के लॉस पे बेचें तो 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 हमारी CP होती है कॉस्ट प्राइस, उसमें से लॉस में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 10% कम में बेच रहे हैं, यानी कि 90% पे बेच रहे हैं, तो ये 3200 जो रुपये हैं ये कितने के इक्वल हो जाएंगे, 90% के, तो 3200 को 90 से तो हम भाग कर देंगे, और कितना चाहिए हमें निकालना है 40% प्रॉफिट वाली वैल्यू, तो उसमें 140 यानी कि 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3200 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा, इसको कट करेंगे तो देखिए पॉइंट में आ रहा है ना, बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन लगता है इस तरीके जब पॉइंट में आता है, तो ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कुछ 3200 की जगह कुछ और हो सकता है, ठीक है, 3250 हो सकता है, 3200 कुछ और हो सकता है, मतलब ऐसे डिजिट चेंज हो सकती है, एग्जैक्ट फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं भेज पाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो आप इसको भी कर लेंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 की तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4978, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, इस तरीके का क्वेश्चन आप कर लेंगे इजिली। और एक क्वेश्चन था आपका, देखिए ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, अगर इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन था कि 4 आदमी को ये कुछ पैसे दिए जाते हैं 550 350 200 और 100 रुपये मिलते हैं, यानी कि टोटल उनका सम था 1200, तो उनके औसत रुपए कितने होंगे, यानी कि सभी को अगर ऑन एवरेज पैसे दिए जाएं या ऑन एवरेज चीज़ें दी जाएं तो कितनी होगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए बोला गया, तो इन सभी को प्लस करेंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका, सभी का सम कितना आ जाएगा 1200, और 1200 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, तो 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी। चलिए एक क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क से वैसे 2 क्वेश्चन थे, बट एक क्वेश्चन पता चला है उसको देख लेते हैं। ए और बी यहाँ पे आपका 45 दिन में किसी काम को कर लेते हैं और बी अकेला उसे 90 दिन में करता है। यहाँ पे पॉइंट क्या बोला गया था कि 9 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, बचे हुए काम को, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, 90 आ जाएगा, 90 को हम 45 से भाग करेंगे तो ए और बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं, 90 को 90 से भाग करेंगे तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, और दोनों एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर सकते हैं, 3 यूनिट। बोला है कि 9 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो 9 दिन में कितना कर लेंगे, 3 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 27 यूनिट वर्क तो ये दोनों मिलकर कर लेंगे, ठीक है। तो 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो 63 बचेगा। अब पूछा ये बचे हुए कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो ए एक दिन में कितना करते हैं, बी एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलकर 2 करते हैं, तो ए का कार्य भी एक दिन में 1 ही हो जाएगा, ठीक है, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो 63 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 63 डेज, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं आता कि भी 9 दिन बाद ए बी काम को छोड़कर चले जाता है। हाँ यही क्वेश्चन था कि 9 दिन बाद बी काम को छोड़कर चले जाता है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 63 डेज में करेगा रिमेनिंग वर्क को। ठीक है भाई, और देखिए दोस्तों आप ऑनलाइन CBT टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइस तो इनका 149 है बट आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 20% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये आपको कोड यूज करना है सौरभ SPL। ठीक है, इसमें 30 ऑनलाइन CBT टेस्ट होंगे, अगर किसी का अभी 4-5 दिन बाद एग्जाम है तो परचेज करके ट्राई कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसका लिंक मांग रहे थे तो इसलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, अभी मैंने वहाँ से लिंक हटा दिया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर की बहुत सारे गलत कमेंट करने लगे थे। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। आपको लगे कि हाँ मुझे मेरी मतलब तैयारी हो रखी है और मुझे प्रैक्टिस करके देखनी है, एग्जाम से पहले एग्जाम दे करके देखना है, तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं। 30 टेस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक्सप्लेनेशन सारी है इसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। तो टॉपिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और पाइप एंड सिस्टम से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बोर्ड मास से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेन से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रेन का मैंने वैसे कोशिश बहुत की बट वो क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया, जिस बच्चे ने लिखवाया था वो फिर मैं भूल गया, तो वो क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा और मतलब उसमें थोड़ी बहुत डिजिट चेंज करके किस तरीके से बताना है, वो एग्जैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन नहीं मिला। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज से अगर बात की जाए तो आपका परसेंटेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका कोई क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था इससे यहाँ पे अगर देखिए। हाँ, और एक बहुत मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, कोई भी गवर्नर, कोई भी CM, कोई भी CEO, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, कुछ भी नहीं पूछा गया आज, एक भी नहीं पूछा गया। अगर कोई बताता है तो बिल्कुल फेक बता रहा है, कुछ नहीं पूछा गया आज। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये सबसे शुरू में मुझे बताना था, मैं वो भूल गया। फिर नेक्स्ट शिफ्ट में करते हैं पूरा, देखिए शाम वाली शिफ्ट को अगर देखते हैं ना आप तो उसमें अच्छे तरीके से मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ पूरे दिन का, तो उसको जरूर देख लिया करें क्योंकि इसमें एंड में वीडियो के मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही है, कौन सी को आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया, कोई भी गवर्नर, कोई भी CM, कोई भी मिनिस्टर, और आपका देखिए ऐसा चल रहा है कि अगर पहले दिन आपका मिनिस्टर और CM और ये PM से क्वेश्चंस पूछ लिए गए ना, फिर नेक्स्ट डे नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा आपका दिन कौन सा पड़ रहा है। वैसे किसी का लक हो रहा है और किसी का लक मतलब नहीं लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हैं। आज वो बच्चा बोल रहा है जिसने क्वेश्चंस भेजे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया इनमें से, तो आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से तो आपके अच्छे खासे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जा ही रहे हैं, और स्लोग से भी आपके क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग वेन डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन था, सीरीज से भी क्वेश्चन थे, एनालॉगी से, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन थे आपके, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस तो कम ही थे बट जितने भी थे रियल थे, और जितने भी रियल क्वेश्चंस और भी मिलेंगे वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे आपका टॉपिक स्टडी से आप ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक दिन की हर एक शिफ्ट की PDF मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप डाउनलोड करके मतलब टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आपको टॉपिक स्टडी सर्च करना है, अगर नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।